के नीचे ना आग जला दी है ताकि ना सालन गर्म हो जाए, जो भी है चावल जो भी है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, जहाँ पे रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ढेरों सारी खुशियाँ बांटते रहें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, वो कर ले चैनल को सब्सक्राइब, एंड ऑल वीडियो को लाइक शेयर ऐसे ऐसे कमेंट करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे एंड ब्यूटीफुल सा डे। आज डे वलीमा डे, सो वलीमा भी हमारा नाइट फंक्शन है, तो बारात पर हम लोग नहीं गए थे, तो मैंने सोचा वलीमे पर जा रहे हैं तो वलीमा भी आपसे शेयर करें। अभी ना मैं उठी थी तो ये मुझे सामने नज़र आया और मुझे याद आया कि रात हमने खाया था पिज़्ज़ा, जिसमें से एक स्लाइस मेरा बच गया था। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको गर्म करूँ और नाश्ता इससे कर लूँ, क्योंकि जो मैंने बिस्किट मंगवाए हुए थे वो ख़त्म हो गए हैं, तो आज का जो नाश्ता है ना वो भी पिज़्ज़े से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये देखना मेरा हिस्सा रात भी बच गया था, क्योंकि जब मैं खाती हूँ तो थोड़ा खाती हूँ, एक स्लाइस खाया था, एक कप खा लूँगी, बाकी सब ने अपना अपना हिस्सा रात ही चट कर लिया था। इस टाइम जो है ना हम लोग घर पे हैं, मैं और मम्मा जो है ना वो वलीमे पे नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे, इसका रीज़न हम आपको कुछ टाइम के बाद बताएंगे। अभी ज़ारा, हिना और पापा जा रहे हैं, और फिर जब मैंने ज़ारा को बोला कि आप जा रही हो तो ऐसा करना कि आप लोग ना वहाँ पे व्लॉग बनाते रहना, व्लॉग कंटिन्यू रखना, क्योंकि व्लॉग आप लोगों के लिए बनाना ज़रूरी होता है। खैर जब हम बाकी की चीज़ें आपके साथ ना बाद में शेयर करते हैं, खुशी वाली बात है इंशाल्लाह। हम थोड़े परेशान हैं, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद अल्लाह पाक खुशी दे हमें, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलो अब मैं फिर, हाँ तुम लोग जाओ पार्लर और तैयार हो, तैयार होने के बाद जितना हो सके तुम व्लॉग बनाना शुरू करना। मेरी तो साड़ी के अरमा आंसुओं में बह गए, फिर तेरी बर्थडे पे पहन लूंगी, क्या मेरी किस्मत में। बाय बाय। हमारे साथ कौन आया है, सुभान, कैसे लग रहा है सुभान? बहुत अच्छा है, इधर तो बहुत अच्छी सेटिंग है। वाह जी वाह, ये है इनका सेटअप, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सेटअप है। और जी इधर टेबल वगैरह लगे हुए हैं, इधर टेबल लगे हुए हैं और इधर खाने वगैरह का सेटअप है सारा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सेटअप है। और हम अभी आए हैं और ज़ारा अपनी फ़ोटो वगैरह खिंचवा रही है, फिर हम खिंचवाएंगे और फुल मज़ा आपके साथ साथ शेयर करेंगे। ज़ारा को आप, ज़ारा की फुल लुक भी आपको दिखाएंगे कि वो आज कैसी लग रही है। हम चुपचाप आते हैं स्टेज के पीछे से, हम पीछे आके बैठ गए हैं। वो ना गिफ्ट पड़े हैं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना हिना इसको खोल खोले खोल, पर चित्र पड़ जाने हैं ज़रा, हमें चित्र उनको क्या पता हमने गिफ्ट खोले, नीचे बैठ कर खोलते हैं। चल बैठ जा बैठ जा बैठ जा, सच्ची सच्ची में, हाँ सच्ची खोल के देखते हैं ना। उनकी ब्राइडल भी आ गई है, हाँ वो इधर आ गए, आपको दिखा नहीं सकते, रही तो दिखा देनी थी। और ना गिफ्ट खोल दो, पर ज़ारा बदतमीजी होगी वैसे। चलो यार छोड़ो परे, तो ये देखो हमारी साड़ी का पल्लू ही नहीं ठीक हो रहा, पल्लू भी नहीं ठीक हो रहा। ज़ारा सर्दी कितनी है वैसे? हम सर्दी बहुत है अभी तक, ये जो ये देखो शफीक है, मतलब रोटी ही नहीं खोल ही नहीं रहे, कितना बुरा हाल है यार, क्या कर सकते हैं। बाय द वे जो अब होगा सीन आपके साथ शेयर करेंगे। और हम इधर पता नहीं, पता है व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर रहे कि कुछ लोग रोकते भी हैं और कुछ नहीं भी आते, हाँ इसलिए अपना फैमिली फंक्शन हो तो बात ही अलग होती अलग होती है। और ना हम इस चीज़ का खास ख्याल रख रहे हैं कि के साथ कहते हैं जी, जो हम दो ढूंढू कर रहे हैं ना वो हम करते रहेंगे, सही बात है। और कॉमेंट में बताना हम दोनों की लुक कैसे लगी और हमारा मेकअप कैसा होगा, सारा कमेंट में बताना है आपने लाजमी।
बर्तनों के नीचे ना आग जला दी है ताकि ना सालन गर्म हो जाए, जो भी है चावल जो भी है ना उनके नीचे, कुछ के नीचे जलाई है कुछ के नीचे अभी नहीं जलाई। तो अभी ये खाना वगैरह लग जाएगा। खाना जी खुल चुका, मैंने अपना खाना ले लिया। ये मेरा नान है, ये कोल्ड ड्रिंक है, ये चावल है, ये आपने खाना खा लिया सुबह? हाँ। बाकी उधर नाना बू वालों ने भी खा लिया? हाँ जी जी। क्या अब मैं भी खाती हूँ? नाना बू हमने ना खाना वगैरह खा लिया। जरा आपने खा लिया खाना? कैसा खाना था? और अब हम जा रहे हैं वापस घर। ना सर्दी बहुत लग रही है, हाथ भी कांप रहे हैं, इतनी ज्यादा सर्दी लग रही है। और ये है जी क्या हुआ? चले चलो को जा रहे हैं पापा, और हम जा रहे हैं वापस घर को। ये है दूल्हे भाई की गाड़ी जिसपे वो आए थे। सो फाइनली गाइस हम घर आ चुके हैं, और ना चूड़ियाँ छुड़ियाँ हमने सारा कुछ उतार दी है। ज़ारा ने तो चेंज भी कर लिया है, अब मेरी बारी है, मैं चेंज वगैरह करती हूँ। मुँह वगैरह को वॉश करना है मैंने, और दूसरा के सोने की तैयारी करनी है। अब सर्दी बहुत ज़्यादा है, और ना सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, उधर इतनी सर्दी थी ना क्या ही बताएं आपको। और ना मैंने चूड़ियाँ वगैरह उतार के यहाँ रख दी हैं, और ज़ारा ने भी अपनी ज्वेलरी यहाँ उतार के फेंक दी है। वो भी अब मतलब ना समेटेगी अपनी चीज़ें, मैं भी समेटती हूँ, और फिर हम ना ताले शाले लगाते हैं और फिर सोने की तैयारी करते हैं। तो अब बारी आती है जी इनको उठा के वैसे ही रखने की जैसे हमने पहने थे चीज़ें, मतलब गाइस ये तो रह गया। अब इसको उतारते हैं जगह पे, दोबारा रखते हैं और फिर चेंज वगैरह करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। गाइस इस टाइम हो चुका है तकरीबन रात के कोई 2 से 2:30 का टाइम हो चुका है, और हम लोग तकरीबन हॉस्पिटल ही रहे थे। और वहाँ से अब वापस आने के बाद मेरी खुद की भी जो तबीयत है ना वो थोड़ी डाउन होने लगी, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको पता है एक तो मरीज इतने सारे, उनको देख के भी जो घबराहट है वो बहुत सारी चीज़ें फेस की हम लोगों ने। तो बहुत सारी चीज़ें फेस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। खुशखबरी क्या है ये सस्पेंस है आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह आपको मैं ये बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी आवाज़ चेंज हो रही है, अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, घर आके सिर्फ चाय पी है और अंडा खाया, कि क्या पता मतलब मेरी थोड़ी आवाज़ वगैरह सेट हो। पापा को भी बुखार हो गया, मुझे भी हो गया, तो बस आप लोगों ने दुआएँ करनी है हमारे लिए। और ठीक है, बहुत बड़ी खुशखबरी अल्हम्दुलिल्लाह, यार मैं किससे एक्सप्लेन करूँगी, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ कल शेयर करेंगे विद बहुत सारी चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह ने के बाद।